आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद बागेश्वर में आपके कार्यकर्ताओं के साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता बसंत कुमार के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई है। विवेक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिवक्ता बसंत कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए पार्टी की मजबूती और कार्य रणनीतियों के संबंध में चर्चा की। साथ ही साथ आपके साथ पूरे उत्तराखंड के अच्छे भविष्य की कल्पना करने की बात कही है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसंत कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने की भी बात कही है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे केवल बागेश्वर विधानसभा का कंसर्न नहीं है, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे आ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे जो राजनीतिक दल है, भ्रष्ट राजनीतिक दल है, झूठे राजनीतिक दल है, जिन्होंने जनता को छलावा किया है, जनता उनसे बहुत त्रस्त है और एक सशक्त विकल्प की तलाश में है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट आनी है। बागेश्वर जनपद के समस्त जनता से पूरी अपेक्षा है और मैंने उनका प्यार स्नेह अपने प्रति देखा है। मुझे एक बच्चे की तरह, एक भाई की तरह, एक मित्र की तरह, एक भतीजे की तरह, एक पारिवारिक रिश्तेदार की तरह मुझे पूरे तरीके से बागेश्वर का प्यार स्नेह मिलता रहा है और आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से मिलता रहेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पतन का उत्तराखंड प्रदेश में कारण बनेगा, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। बहुत समय है आम आदमी पार्टी के लिए और बहुत तेज गति से आम आदमी पार्टी अपना संघर्ष कर रही है और मैं बता रहा हूं आपको कि एक साल के समय में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि गांव-गांव में आम आदमी पार्टी का परचम लहरा चुका है। लोगों के अंदर एक अंडर करंट है जो आम आदमी पार्टी के आने का और उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं और उनको ये जिम्मेदारी, ये सेवा देने के लिए वह पूरे तरीके से उन लोगों ने ठान ली है, पूरे उत्तराखंड की जनता ने ठान ली है। और मैं आपको बता दूं, हमारी सर्वे में भी ये क्लियर हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के अलावा कोई दूसरी सरकार 2022 में उत्तराखंड प्रदेश में राज नहीं करेगी। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।